हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन ये हमने पढ़ा था है ना? यस तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है जब एंगुलर वेलोसिटी में क्या आता है चेंज आता है तो इसको हम क्या कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है ना चेंज का क्या मतलब है चेंज का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज चेंज का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज चेंज का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज क्या ना भाई हां अब देखें मेरे हाथ को देखें मेरे हाथ इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है yes, हां तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज वही है ना yes, हां मेरे हाथ को देखें डिक्रीज तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज तो इसका ये मतलब हुआ कि या एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए इंक्रीज या क्या हो जाए डिक्रीज होएगी अच्छा चलिए मैं पहले एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं तो एंगुलर वेलोसिटी अब उन्हें लिया कर एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर इज अ स्केलर या इज अ टेंसर एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर इज अ स्केलर या टेंसर तो एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है बोथ एंगुलर वेलोसिटी इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर स्केलर भी है वेक्टर भी है क्या ना बच्चू अच्छा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास है थीटा बाय टी क्या ना बच्चू थीटा बाय टी अच्छा और अगर थीटा 20 से कम हुआ तो वेक्टर होगा yes. हाँ ये वेक्टर होगा है ना और अगर थीटा वेक्टर हुआ तो ओमेगा भी वेक्टर अगर थीटा वेक्टर तो ओमेगा भी वेक्टर तो इसका मतलब हुआ कि ओमेगा भी क्या होगा वेक्टर होगा समझ आ रही है अच्छा और अगर थीटा 20 से ज्यादा हुआ तो थीटा क्या होगा स्केलर और अगर थीटा स्केलर तो ओमेगा स्केलर अगर थीटा स्केलर तो ओमेगा स्केलर तमाम खबर होएगी का गौर बच्चों इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन अस्तफुरुल्लाह इफ थीटा इज ना देन ओमेगा एट 120 डिग्री इज मस्ट बी अ वेक्टर नेवर बी अ वेक्टर मे आर मे नॉट बी अ वेक्टर तो ये कह रहे हैं कि ओमेगा क्या है ओमेगा क्या है कांस्टेंट ओमेगा क्या है कांस्टेंट अच्छा ओमेगा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है ना यस सर ओमेगा कांस्टेंट से मतलब यूनिफॉर्म गंजिया था तकारी द तलक बरा की ना कने यार हां हां सही है सही डन डन जो को दर तकार में बस डन का नूर पकी सकी तब बस दिल लिख सकी तो जरा दे तो ओमेगा जो है वो क्या है कांस्टेंट और हमने बचपन में पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर ये हमने बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि जब जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर बराबर हो गई इसी तरह
जब ओमेगा कांस्टेंट होगा, जब ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर बराबर वही है ना। हाँ तेरा तेज अच्छा का नाम क्या डीसी रह गया तो हो रहा, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होगा बराबर बराबर। हाँ जरा तुम बचो द बॉडी देखे ना दाराला एट 10 डिग्री सुमरा नुदारा तो आया इधर एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहूंगा इंस्टेंटेनियस के एवरेज इंस्टेंटेनियस के शॉर्टर टाइम में है शॉर्टर टाइम में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी इंस्टेंटेनियस है ना। और ये बताओ एंगल स्मॉलर है यस सर एंगल स्मॉलर है जब एंगल स्मॉलर है तो थीटा वेक्टर है यस सर आओ जब एंगल स्मॉलर तो थीटा वेक्टर और जब थीटा वेक्टर तो ओमेगा भी वेक्टर जिसका मतलब है कि ये इंस्टेंटेनियस वेक्टर है इंस्टेंटेनियस क्या है क्यू वेक्टर है बताओ थीटा स्मॉलर थीटा 10 डिग्री है स्मॉलर है तो थीटा स्मॉलर है इंस्टेंटेनियस क्या है वेक्टर इंस्टेंटेनियस क्या है वो ये गई उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन किस हुई क्वेश्चन की हुई ओमेगा इज कांस्टेंट नो ओमेगा कांस्टेंट समझ लो ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है एवरेज बराबर बराबर इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस होगा वही एवरेज होगा तो इंस्टेंटेनियस वेक्टर है तो एवरेज भी वेक्टर होगा होए गई मैं एवरेज को बारी एंगल की दीजिएगा एवरेज को 120 की दीजिए 115 की दीजिए तो जो इंस्टेंटेनियस है वही क्या होगा एवरेज होगा तो इंस्टेंटेनियस वेक्टर है तो एवरेज भी वेक्टर होगा तो मस्ट बी वेक्टर ऑप्शन है तमाखले कोई शुभ तमाखले कोई शुभ हां जरा तो भी बचो व्हाट इज द ओमेगा ऑफ आर हैंड ऑफ वॉच व्हाट इज द ओमेगा ऑफ आर हैंड ऑफ वॉच पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड पाई बाय 3600 रेडियन पर सेकेंड या पाई बाय 720 रेडियन पर सेकेंड। हाँ व्हाट इज द ओमेगा ऑफ आर हैंड ऑफ वॉच आर हैंड ऑफ वॉच का ओमेगा क्या होगा क्या होगा ऑप्शन सी डी अस्तफिरुल्लाह 0% बोलवा चुम जे मजदूर है ना। हां चलो मालूम कर दे तो ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा ये सबको पता है बिल्कुल ये तो बचपन में पढ़ा था आओ क्या ना ये तो जंगल से किसी टर्जन को ले गए उसको भी ये पता होगा चार दिन तो जान देना सर द बचपन ना जैसे मोरा अच्छा बचपन बड़ा प्रिय बचपन 85 दिन का मेरा तो सही है और अब जो बोले सर इस तो ये थीटा का इक्वेशन है क्या ना मिनट हैंड है आर हैंड है आर कौन सा हैंड है आर हैंड तो आर हैंड अगर एक चक्र कंप्लीट करे तो एंगल 2 पाई रेडियस पता है ना अगर आर हैंड एक चक्र कंप्लीट करे तो टोटल एंगल 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री करेक्ट। अब टाइम की बात कर रहा हूं टाइम अगर आर हैंड एक चक्र कंप्लीट करे तो टाइम 12 घंटे 12 घंटे होएगी। अब आर हैंड घंटे वाली सी एक चक्कर कंप्लीट करे तो टोटल टाइम 12 घंटे करे बच्चो के जस्ट सही उत्तर हो तो लग दो तो यह जाएगा 2 पाई रेडियन और घंटों में 3600 सेकंड घंटे एक घंटे में कितने टाइम होता है 3600 सेकंड का क्या क्या कैंसर 2 आवर्स ये जुड़ा है ना
सर्दी खुम रहता हूँ ये बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या ना? हां उफ दावर पर कुलू क्या ना एसी भैया रजी हो या ना रजी मुंगा बदल घर में अंदर मुड़ तो डेल्टा ओमेगा का मतलब है चेंज, क्या मतलब है चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो या ओमेगा ज्यादा हो या ओमेगा कम, या ओमेगा ज्यादा हो या ओमेगा कम। हाँ नुकरी बच्चों अगर अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये बॉडी किस तरह घूम रही है ये बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर? पता है ना? यस सर। रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, पता है? व्हाट इज वेयर इज ओमेगा? ओमेगा नॉर्मल बाय राइट हैंड रूल परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज है ना, आउटवर्ड ओमेगा इज आउटवर्ड। यस सर। तो ये गई ओमेगा इज आउटवर्ड, हां ओमेगा आउटवर्ड है, क्लियर है? बस गुरु बच्चों ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो गई, क्या हो गई इंक्रीज। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, जब भी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए इंक्रीज, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा? पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन में ओमेगा और अल्फा हमेशा पैरेलल होंगे, हमेशा। तो थीटा कितना बनाएगा? जीरो। अल्फा और ओमेगा क्या होंगे? पैरेलल। तमाम खबरों को ये मेरी बात समझ आ रही है? तो अल्फा और ओमेगा क्या होंगे? पैरेलल। हाँ नुगरी बच्चों हमारे पास है 10 रेडियन पर सेकेंड और ये हमारे पास है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाएगा 20, यह जाएगा 0, यह जाएगा 10, यह जाएगा 5, यह जाएगा नन। बोरा हमारे पास एक गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड और भैया गिवन दी हुई 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अगर हम इसको एड अप कर दें, क्या कर दें एड अप, तो क्या होगा? नो एडिशन, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, सेम नेचर होना चाहिए। एडिशन इज नॉट पॉसिबल, बोले दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों का नेचर एक जगह एंगुलर वेलोसिटी है और एक जगह एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों का नेचर क्या है डिफरेंट। अगर नेचर डिफरेंट है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा इंडिटर्मिनेबल, मालूम नहीं कर सकते। वो ये गई इसका मालूम नहीं कर सकते काम ब्याम इसका खबर होगा, जरूर बुजुर्ग खबर होगा। एक हमारे पास होता है नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा? जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज का ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो डिक्रीज। खाओ गोरी बच्चों ये बड़ी है ये तेज घूम रही है, स्लो हो गई। यस सर। स्लो हो गई। यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, तो दैट इज का नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन ना। तो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा और ओमेगा अपोजिट, एंटी पैरेलल का क्या मतलब है 180 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा 180 डिग्री, वही क्या ना बच्चों का दिमाग ले पोएगी क्या ना बच्चों करना पड़ेगी। हाँ क्या हो रही बच्चों, ये दोनों अपोजिट होंगे, अपोजिट कब होंगे
alpha and omega are parallel, then what is omega? Increase there again same or if alpha and omega are parallel se matlab zero same direction, so what is omega? Increase kab parallel honge? Zero. जब ओमेगा इंक्रीज होगा तो एल्फ और ओमेगा क्या होंगे? पैरेलल। दस बैक ना सिंपल खबर था। हाँ और ची क्या द्वारा एंटी पैरेलल शुरू हो गया? डिग्रीज। क्या द्वारा एंटी पैरेलल शुरू हो गया? डिग्रीज। तो मैं खाली पूछेगी। यस सर। जब दोनों एंटी पैरेलल हो तो ओमेगा डिग्रीज। हाँ यस चलो शो پاکستان میڈیا الفا ڈاٹ اومیگا کیا آئے گا؟ الفا اومیگا زیرو یا الفا اومیگا سائن تھیٹا یا آل آف دیز؟ بنیریا الفا از دا کریکٹ آنسر جگہ الفا ڈاٹ اومیگا برابر ہے الفا اومیگا کاس تھیٹا ڈاٹ پروڈکٹ میں کاس تھیٹا ہوتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ میں اگر پازیٹو اینگولر ایکسلریشن ہو کون سا تو اینگل کتنا ہوگا زیرو اور کاس زیرو ون کاس زیرو ون اور اگر نیگیٹو اینگولر ایکسلریشن ہوا 180 کاس 180 مائنس ون تو اس کے ڈاٹ پروڈکٹ سے دو آنسر آتے ہیں اس کے ڈاٹ پروڈکٹ سے دو آنسر آتے ہیں والے کا بورڈ تک وہ رکھا ٹاٹو پے والا تکن جی کنا ٹاٹو پے لری کا ہاں جی کنا یہ بنا سی تے لگو رکھا یہ سر تو کرونا شروع ہے ہاں گورا تے گن جان سوچ نہ دیر کیچ اس چل گور بس خبر ہے ہاں گور بس تو وادری کڑی کنا کیا گور بس والے خبر میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہے بچو وٹ از الفا ڈاٹ آر وٹ از الفا ڈاٹ آر زیرو 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 کیوں 90 ڈگری اینگل کیونکہ یہ جو ریڈیس ہے نا یہ ہوتا ہے الانگ دا پلین ریڈیس کیا ہوتا ہے الانگ دا پلین آف سرکل الانگ دا پلین آف سرکل اور جو الفا بھی کہنا دا بھی پرپینڈیکولر ٹو دا پلین آف سرکل یس سر ٹھیک ہے نا دا تمہارا بہت سر ورتے والے کو لگ ایزی سے خیر دیتا اور ستختم نا دم اگر دنگری سٹارو تو نا تو یہ ہمارے پاس ये हमारे पास है अलोंग द रेडियस अलोंग द प्लेन ऑफ सर्कल होता सर परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सेंटर क्या डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सेंटर वही क्या ना बच्चों क्या ना
ये बताओ ये निकला कोई तो ओमेगा किधर है आउटवर्ड ओमेगा किधर है आउटवर्ड आई मीन सेफ्टी शॉट हां ओमेगा है आउटवर्ड समझ आ रही है अब स्पीड को देखें किसको स्पीड देखें इंक्रीज एल्फा किधर हुआ आउटवर्ड क्योंकि जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन एल्फा का होगा जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन एल्फा का होगा बोले देखे ची कल इंक्रीज रहे इंक्रीज तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम तो ओमेगा किधर है आउटवर्ड अल्फा किधर है आउटवर्ड तो बताओ अल्फा और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर हुए यस सर अगर परपेंडिकुलर हुए तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 जीरो जीरो तमाम खाली पूछ पूछ यस सर तमाम खाली पूछ पूछ हां ये हम सर योर रिलेशन है बच्चे ना खुलो s इक्वल टू r थीटा v इक्वल टू r ओमेगा और बिल सर a इक्वल टू r अल्फा A is equal to R alpha. That's the relation. Sir. S is equal to R theta, V is equal to R omega, or A is equal to R alpha. These three relations. Proof करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि M decade में तो ही नहीं आता कि proof है. पाकिस्तान है हो सकता है आ जाए. तो S is equal to R theta, ये हमारे पास equation है. तो मैं इसको लिखता हूँ vectorial form में. किस फॉर्म में वेक्टोरियल फॉर्म में नगोरी खबर जो थीटा क्रॉस आर किस तरह लिखूंगा इसको मैं आर क्रॉस थीटा नहीं लिख सकता आर क्रॉस थीटा नहीं लिख सकता मैं इसको किस तरह लिखूंगा थीटा क्रॉस आर क्यों क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था पुराने पुराने जमाने में कि क्रॉस प्रोडक्ट आर एंड इक्विटेड यस क्या पढ़ा था आप लोग इसे भूल गया होगा इंशाल्लाह नो सर इंशाल्लाह याद नहीं होगा है ना चैप्टर 2 ने तो खबर हो गया सर तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए तो थीटा क्रॉस आर इज नॉट इक्वल टू आर क्रॉस थीटा है ना खुद गोरा पहले तो मैं चैप्टर 2 की बात करूं चैप्टर 5 का भी भूल जाए तो मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन मालूम करेंगे बाय राइट हैंड रूल किस रूल से राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन किस तरह राइट हैंड रूल तो फिंगर रखूंगा थीटा पर पहले वेक्टर पर टर्न करूंगा आर की तरफ अच्छा नुगो रखो बच्चों रेडियस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर रेडियस वेक्टर क्या डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर अच्छा ये बताएं ये बॉडी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज तो ये बताओ थीटा किधर है थीटा आउटवर्ड आउटवर्ड का नाम थीटा किधर है आउटवर्ड अच्छा थीटा आउटवर्ड है क्लियर हुआ यस सर अच्छा फिंगर रखूंगा थीटा पर टर्न करूंगा आर पर आर की तरफ तो थीटा किधर है बताओ आउटवर्ड अच्छा तो मैंने फिंगर रखी आउटवर्ड नजर आया यस आउटवर्ड है ना थीटा किधर है आउटवर्ड तो फिंगर रखी थीटा पर टर्न की किस तरफ आर की तरफ रेडियस की तरफ नजर आया ये क्या टेंजेंट टू द सर्कल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कल में किधर होता है टेंजेंट टू द सर्कल कैसे मालूम हुआ राइट हैंड समझ नहीं आया दोबारा सादा खैर देखा तो खैर का और बच्चों हां का बुनेरिया तम रहा सर भी आसान लगे रोशा और कटे खत्म सही ना तब समा कर खड़े कर आओ आगा दिशा और आगा तो ना फिंगर रखूंगा थीटा पर टर्न करूंगा आर की तरफ है ना तो मैंने फिंगर रखा थीटा पर आउटवर्ड है ना थीटा किधर है आउटवर्ड टर्न करूंगा आर की तरफ रेडियस की तरफ टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंटसले यस पॉइंटसले यस बिया बस आखिरी तक
دير منوفري كي سلو زرا تا كولا كي نا نا دريز الخي دريز الواني خبرا غتمي دور تو فينجر ركونغا فينجر ركيندا تيتا تيتا با جسبر تيتا با تيتا با تن كرونغا ريديس ريديس كي طرف रेडियस की तरफ डाउन डाउनवर्ड या टेंजेंट टू द सर्कल तमा खाली पूछ पूछ और ये आखिरी जो है ये बेटरा नहीं करूंगा बस डायरेक्ट टेंजेंट टू द सर्कल पूछ पूछ तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है टेंजेंट टू सर्कल टेंजेंट टू द सर्कल तो अभी मुझे समझ आया और 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 कि ये डिस्प्लेसमेंट ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कौन सा ये वाला और ये वाला एक्सरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि अपोजिट है बिल्कुल अपोजिट है ये वाला और ये वाला एक्सरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि अपोजिट है तो इसका मतलब है कि ये वाला इसको कैंसिल करता है तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कल जीरो तो अभी हमें समझ आया कि सर्कल में नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो है अभी समझ आया कि नहीं आया क्योंकि सारे डिस्प्लेसमेंट एक्सरे को क्या करते हैं सारे अपोजिट है जब सारे अपोजिट है तो एक्सरे को कैंसिल करते हैं तो इस वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट सर्कल क्या होता है जीरो जीरो जमा खाली पूछ बिल्कुल पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट हो लेकिन हेड टू टेल रूल से हम इसको ऐड कर सकते हैं जो पॉइंट ऑफ एक्शन है डिफरेंट ही ना बच्चों पॉइंट ऑफ एक्शन हम आए लाइन ऑफ एक्शन वाले लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट ही वी हैव अ सर्कुलर मोशन वी कमियो ये मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में कपल फोर्स में यस सर कपल फोर्स में कि जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो कौन सा मोशन एंगुलर मोशन सर्कुलर पद प्रयोग उसने की थी कम थोड़ा बच्चों ये बटन टिक लाग घूम रही है तो थीटा का क्या डायरेक्शन है बताओ एसी रहता नहीं जरा थीटा का क्या डायरेक्शन है बताओ आउटवर्ड होएगी थीटा का डायरेक्शन है आउटवर्ड अच्छा रुकड़ी बच्चों फिंगर रखूंगा थीटा पर और टर्न करूंगा रेडियस की तरफ है ना तो फिंगर का किस पर किस पर थीटा पर और टर्न किया रेडियस की तरफ तो यह किया टेंजेंट टू द सर्कल ये क्या मालूम हुआ क्या मालूम हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज टेंजेंट व्हिच इज रेडिकुलर यो कम कर वही वो इज द अलिकम आर क्रॉस थीटा संगा आर क्रॉस थीटा तो ये मतलब ये मतलब दे फिंगर रखेंगे आर पर टर्न करेंगे थीटा की तरफ टीड़ा किधर है बता आउटवर्ड टीड़ा किधर है आउटवर्ड का ना आउटवर्ड का ना तो फिंगर रखूंगा किस पर टेन करूंगा नुगर वाला तो बच्चू फिंगर रखा ओफ बड़ी उम्र के मिलान नहीं तभी और फिंगर रखा किस पर आर पर टेन करूंगा दा टीड़ा रखा ना तो फिंगर टर्न किया थीटा की तरफ नजर आया टेंजेंट टू द सर्कल लेकिन वो टेंजेंट पहले वाले के अपोजिट है कि नहीं तो माइनस लगाएंगे क्या लगाएंगे माइनस तो अगर थीटा क्रॉस आर लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे लेकिन अगर आर क्रॉस थीटा लिखेंगे तो माइनस दिमाग खेले पूछ 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 तो हमेशा इसको किस तरह लिखेंगे अब इसको आर क्रॉस थीटा नहीं लिख सकते और अगर लिखेंगे तो क्या लगाएंगे माइनस दिमाग खेले पूछ पूछ खौरा आर क्रॉस थीटा प्लस थीटा क्रॉस आर नल वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना
कपगी साजी पे कर्म भगवान सर वो चीज कौन तो खटक का धीरे लगता हुआ तो हुआ तो गोरी का बच्चों सब रहते जीरो नल वेक्टर नल वेक्टर वाली अब अपोजिट इन डायरेक्शन डिनर अजी माइनस एस डिनर अजी माइनस डिनर अजी माइनस एस माइनस एस और डिनर अजी प्लस डिनर अजी प्लस एस तो नल वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा यस सर नल वेक्टर आएगा ना हां जरा तुझे बच्चों व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी एस टी साइन थीटा ऑप्शन सी एस थीटा ऑप्शन डी माइनस एस थीटा ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीस फॉरम डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस ओ थीटा सब आ रही जीरो जीरो आएगा क्यों जीरो आएगा नाइंटी एंगल है नाइंटी एंगल है देखो कोरा व्हाट इज आर डॉट थीटा आर थीटा माइनस आर थीटा जीरो या अलग जीरो जीरो व्हाट इज आर डॉट थीटा जीरो जीरो डम परपेंडिकुलर नाइंटी डम परपेंडिकुलर थी वो ये कही ये भी परपेंडिकुलर कम ये भी आप सुन रहे थे गोरा हाँ रेडियस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है